अखबारों में विकास में नंबर वन होने का दावा कर रही योगी सरकार से ये तस्वीर सवाल पूछ रही है। ये तस्वीर योगी सरकार के विकास का पोल खोल रही है। ये तस्वीर कहती है कि प्रदेश में बहुत कुछ नहीं बदला, लोग अब भी दर बदर भटक रहे हैं। इस तस्वीर को एक बार देखिए। यह तस्वीर तब की है जब पूरे देश में विकास का शोर है। नेता हर वक्त विकास की ही बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही बदलाव के दावे के साथ सत्ता में आई हो, लेकिन यहां भूत कुछ नहीं बदला। सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, लेकिन बस्ती जिले की यह तस्वीरें योगी सरकार की पोल खोल रही है। यहां एक मासूम बच्चे को अपनी मां के इलाज के लिए ठेले पर लेकर अस्पताल जाना पड़ रहा है। मासूम ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया। एम्बुलेंस में हो रही देरी और मां की बिगड़ती तबीयत के कारण ठेले पर मां को रखकर अस्पताल में इलाज के लिए निकल पड़ा। दवाई के कहे जांच कर लो, तो एम्बुलेंस, अब एम्बुलेंस लिए नहीं गया। अफसोस की बात यह है कि यह तस्वीर उस जिले की है जिस जिले के प्रभारी मंत्री खुद स्वास्थ्य विभाग के मुखिया स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह है। वही इस संबंध में जब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो वह मामले को टालते हुए नजर आए। अभी संज्ञान में मुझे मिला है, मैंने सीएमओ को इसमें निर्देश दिया है कि तत्काल इसकी जांच करें और अगर इसमें जो भी दोषी है उसे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें ओडिशा से आई थी। यहाँ एक शख्स को एम्बुलेंस नहीं मिली तो अपनी मृत बीवी का शव पीठ पर लेकर चल दिया। इसके बाद बहुत बवाल हुआ। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, बस्ती।